देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए गेम प्ले में, जिसे कहते हैं हम पबजी। हाँ, मेरा वीडियो जो है बहुत ही टाइम बाद आ रहा है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था बनाने के लिए और ना ही खेल पा रहा था मैं दिन में। तो और मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पे लोगों का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता है, ना ही सब्सक्राइब आता है। तो थोड़ा सा डीमोटिवेट होने के बाद मैंने दो चार गेम प्ले रिकॉर्ड किए अच्छे वाले। आप देख सकते हैं मैंने अभी अभी अपने आप में अग्नि परीक्षा दी है, तो आप समझ सकते हो डीमोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। क्या करें, खेलते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, वीडियो भी अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करते हैं, मगर वैसा कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। तो इसीलिए हम लोग दोबारा से गेम प्ले स्टार्ट किए, ये सोच के कि चलो छोड़ो, रिस्पॉन्स आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तब भी हम खेलेंगे और डालेंगे गेम प्ले। तो हम उतरे थे लिविक खेल रहे थे, तो ये है, इसे तो हम लोग समझते हैं कि ये लिविक मैप का पोचिंकी एरिया है। यहाँ पे हर बंदा कूदता है फाइट करने के लिए, तो हम भी कूदे थे इंस्टेंट फाइट के लिए, क्योंकि सेफ खेल खेल के लिए बोर हो गए थे, तो सोचे चलो मार धाड़ करें। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फाइट हुआ, वहाँ से कूद के मैं आया। आप देख सकते हैं गेम प्ले में जिसको मैंने अभी पत्थर के पीछे मारा, वो बॉट फायर दे दे के हम लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहा था। तो ये तो ट्रिक है, तो ट्रिक के चक्कर में बेचारा वही पिट गया। अब सामने वाले लकड़ी के घर में एक और बंदा दिख रहा था, पर उस वक्त जब मैं खेल रहा था तब मेरी नज़र में नहीं आया, पर अब जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तब मुझे ये पता चला कि वहाँ पे भी एक बंदा है। जब मैं इस घर में आता हूँ आगे पीछे से आगे की ओर, तब वो बंदा पीक करता है और तब मुझे वो दिखता है कि वहाँ पर भी एक बंदा है। पर मैंने जिसको पत्थर के पीछे नॉक किया था पहले उसको फिनिश करना था, और वो मुझे जाते हुए दिख जाता है। ये देखिए दिखा, तो मैंने इसको डीपी से किसी तरीके से फिनिश कर दिया, नहीं तो वो रिवाइव हो जाता, फिर वो हमारे ऊपर ही काल बन जाता। तो उसको फिनिश करने और उस झोपड़े में जो बंदा था उसको फिनिश करने के बाद मैं आया यहाँ पे लूटने के लिए, मेरा टीममेट था। तभी एक बंदे ने, उन्हीं का कोई टीममेट था, उसने उसको नॉक कर दिया। अब मैंने फटाफट कोशिश किया कि उसको फिनिश कर दूँ, और पीछे जो था रिवाइव भी देना था। तो मैं जैसे ही जा रहा था रिवाइव देने, तभी मेरे पार्टनर ने बोला कि जाओ आगे जाओ, तो मैं रिवाइव दे रहा हूँ। तब मैंने डीपी को रीलोड किया, क्योंकि उसका बंदा उस पत्थर के पीछे हो सकता था, तो मैंने रीलोड किया फटाफट, अपने रास्ते को काटते हुए आगे बढ़ा। तभी मैंने एक नेट किया ताकि निशाना लगे, अगर उस पत्थर पर रुकता तो बिल्कुल मर सकता था, पर वो पत्थर के पीछे था, मेरा नेट आगे गिरा इससे कि वो मर नहीं पाया। तब मैं यहाँ पे आया तो देखा है ही नहीं, तब वो और पीछे चला गया। अब उसको तो फिनिश करना ही था, अब वो फिनिश हो चुका था, तो आगे जाने का रिस्क मैं नहीं ले सकता था, मुझे पता ही नहीं था कि वो बंदा उस पत्थर के पीछे या उन पेड़ों के पीछे है। तभी मेरे लेफ्ट वाले बंदे ने नॉक किया, तब मैंने वहाँ से आगे बढ़ने का चांस लिया। अब आगे बढ़ना था तो आगे बढ़ गया, तभी वो देखिए लेटा हुआ है पीछे, लेटा हुआ नहीं है, नॉक पड़ा है। नॉक पड़ा है तो मैंने इसको फिनिश किया। तभी हमारे दूसरी तरफ से एक गनशॉट की आवाज़ आई, गनशॉट, गनफायर, गनफायर की आवाज़ आई, तो बंदे ने नॉक कर दिया। उस बंदे ने अपने चार नंबर वाले बंदे को, रैंडम बंदे को नॉक कर दिया। अब नॉक कर दिया तो मैंने यहाँ से कवर में रह के स्मोक किया। अब स्मोक कर दिया है तो उसने मॉली फेंका है, तो मैं यहाँ से पिक लेके की कोशिश करता हूँ कि दिखे, पर वो दिखता है, पर मैं M4 से फायर करता हूँ, स्प्रे करता हूँ। अब नंबर दो जो था वो आगे रोटेट कर रहा था, मैं उसके पीछे था, और नंबर तीन को उसने फिर से नॉक कर दिया। अब क्या था कि अब हम लोगों को थोड़ी किसी तरीके से उनको देखना था। अब मैंने देखा तो वो छुप चुका था, अब छुप गया तो मैंने पत्थर के पास देखा तो वहाँ पर एक और बंदा था, उसको मैंने मार दिया, फिनिश हो गया। अब तीन नंबर को जाके मैंने रिवाइव दिया, अब वहाँ से फिनिश करने के बाद सिटी को क्रॉस करते हुए हम लोग इधर आए, क्योंकि इधर गन फाइट हो रही थी और अपना नेक्स्ट जोन भी यहीं पे बन गया था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़।
रिक्वेस्ट है आपके सब्सक्राइब करने से किसी की लाइफ अगर चेंज हो सकती है तो बिल्कुल कीजिएगा, मैं तो करता रहता हूँ। जैसे कि अपने ड्रैको भाई ने भी यही बताया है कि आपके लिए वो बटन कोई मायने नहीं रखता, ऊपर दूसरे के लिए वो बटन बहुत मायने रखता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बेहतर करने की कोशिश करूं। तो अपना 2 नंबर बहुत ही आगे बढ़ चुका था तो उसको बंदे ने नॉक कर दिया। अब 3 दिया था उसको रिवर्स देने के लिए, तो मैं यहाँ पे प्लानिंग करके पड़ रहा है कि अगर वो 2 को मारने की कोशिश करता है तब मैं यहाँ से स्प्रे करूँगा, फायर करूँगा DP से। तो मैंने DP से फायर किया तो नॉक कर दिया। अब इधर जिधर मैंने अभी उसको ओपन किया था तो वहाँ पे 2 बंदे थे, एक यहाँ पे लेटा था और एक सामने था। तो मुझे दूर वाला दिख गया पर वही नज़दीक वाला नहीं दिखा। तो ये गेम प्ले के दौरान बहुत मुश्किल हो जाता है देखना कि असल में वो वहाँ पे कितने बंदे हैं। अब एक और बंदा भाग के झोपड़े में घुस गया। अब झोपड़े में घुस गया तो क्या कर सकते हैं, अब वो पीक करेगा तो मैं मारूंगा। अब वो मैंने बल्कि DP से उसको डैमेज दिया। अब कोशिश ये थी कि मैंने उसको नॉक किया पर उसका किल मुझे नहीं मिला। ओह मिल गया, बिल्कुल मिल गया, MCMYC जोकर, सॉरी। अब केवल 2 बंदे बचे थे, एक लेफ्ट में था, लेफ्ट पेड़ के 2-3 पेड़ के बीच वाले पत्थर के पीछे, तो वो वहाँ से फायर कर रहा था और एक इस बड़े वाले पत्थर के पीछे वहाँ से फायर कर रहा था। अब उनकी पोजीशन तो पता थी, अब फिनिश कैसे करना है वो भी देखना था। तभी हमारे 3 भाई ने नॉक कर दिया। अब था हमारे पास रश करने का टाइम, तो हमने रश कर दिया रश। अब 2 बंदे थे पर 1 बंदा नॉक था। अब एक नॉक था तो किसी तरीके से आगे बढ़ना था, तो यहाँ पर गेम जो था बिल्कुल ही पलट चुका था और ये गेम हमने जीत लिया। आइए हम दूसरे गेम प्ले की ओर बढ़ते हैं, समझे। यहाँ पे मैं रैंडम्स के साथ खेल रहा था तो ये बंदे लोग यहाँ पे कुदा दिए। चलो रैंडम्स के साथ खेलता हूँ तो रश खेलता हूँ क्योंकि उन्हीं के हिसाब से मैं चलता हूँ, वो लोग जहाँ ले जाते हैं वहीं चलता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे कूदे, यहाँ पे एक टीम और थी, तो एक टीम जो थी, एक 2 बंदे सामने थे, 2 बंदे लेफ्ट में राइट में थे। तो यहाँ पे मेरे को दिखा तो मेरा 3x का स्प्रे बहुत ख़राब है, 3x बहुत ज़्यादा हिलता है। तो कमेंट में सजेशन कीजिए सेंसिटिविटी क्या रखनी चाहिए मुझे। तो इसको मैंने रेड डॉट से मार दिया, रेड डॉट से नहीं मारा मैंने, काफ़ी से मारा, अब स्कारल से 2 बंदों को मारा पर 1 का किल मिला। अब यहाँ पर जो बंदे थे ग्रीन वाले हाउस में, 2 बंदे मैंने देखे थे घुसते हुए, तो मैं भी रोटेट करके रोड पार करके इस तरफ आ गया। अब इस तरफ आने के बाद मैंने देखा कि वो अंदर घुसे हुए हैं, अंदर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फाँद रहे हैं, कूद रहे। अब मुझे इंतज़ार था कि वो कब वहाँ से निकले और कब मैं उनको मारने का तरीका देखूँ, और मेरा जो सोच था वो बिल्कुल सही था कि वो निकलेंगे। और जैसे ही 1 बंदा कूदा और 2 बंदे कूदे, और जब उन दोनों कूदे तो वो लोग ऊपर की ओर जाने लगे पत्थर की तरफ, तभी मैंने M762 से फायर किया। और जब आप M762 और AKM को फायर यूज़ करते हैं तो अगर आप स्कोप लगा के यूज़ कीजिएगा, रेड डॉट होलो, तो बहुत ज़्यादा हिलता है। मगर अगर आप AKM और M762 को यूज़ करेंगे विदाउट स्कोप तब वो बहुत कम हिलता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या मैंने जो बोला है वो सही है कि रॉन्ग है। तो मैं AKM और M760 को विदाउट स्कोप ही यूज़ करता हूँ। अब वहाँ पे 1 बंदा नॉक था, एक्सल में जो भाग रहे थे तब नॉक किया और अभी नॉक किया, तो मतलब कि एक नॉक होता है तो दूसरा रिवाइव हो चुका होता है। तो वहाँ पे अभी भी 2 बंदे हैं, एक नॉक, अब तो दोनों ही रिवाइव हो चुके होंगे। तो मैंने चांस लिया, पत्थर के पीछे डाल के नॉक कर दिया। अब देखे होंगे कि 2 बंदे नॉक हुए हैं, अब 2 बंदे नॉक हुए हैं तो दोनों पीछे हैं। तो अब मैं रोटेट करके भागता हूँ आगे की ओर ताकि उनको मैं फिनिश कर सकूँ, और ये दोनों के दोनों फिनिश हो जाते हैं। अब इस तरफ बहुत ही ज़्यादा आपको
गेम प्ले में दूसरे पार्टनर टीममेट्स का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। अब मैं उनके आवाज़ से इरिटेट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो घर के अंदर पहले घुसते हैं, उसके बाद इनको म्यूट मार देंगे। म्यूट तो नहीं मारा मैंने, उनकी आवाज़ भले कम कर दी। अब डिस्टर्बेंस होता है, उनकी आवाज़ ज़्यादा आती है और पैरों की आवाज़ कम आती है। मुझे खांसी इसलिए है क्योंकि रात में मैं कोल्ड ड्रिंक पी लिया था, जो कि मुझे नहीं पीना चाहिए। तभी एक को नॉक किया इसने, तो मैंने भी इसको M72 से नॉक किया और फिनिश किया। अब मैं इसको बचाना चाह रहा था, तभी एक और फुटप्रिंट था, तो अब मैंने इसको मारने की कोशिश की। जो भी था, पर इसको मारने की वजह से मैंने अपने नंबर 4 को खो दिया, उसको नहीं बचा पाया। अब उसको नहीं बचा पाया तो क्या करना था, मुझे अफसोस हुआ, इसलिए मैं 1 सेकेंड के लिए वहीं पर बैठा था। उसके बाद छोड़ दिया मैंने, उसके बाद मैं इधर आया। तब देखिए अभी भी फायर हो रहा है। अब फायर हो रहा है तो क्या करें, फायर हो रहा है तो मैं चेक करने आया टेढ़ा मेढ़ा करके, ताकि दिख जाए वो, पर वो इधर से ही मार रहा था। अब इधर से किधर से मार रहा है, क्लियर व्यू नहीं आ पा रहा था। तो मैं अपना पोजीशन और चेंज करता हूँ, यहाँ दरवाजे के पास आता हूँ। अब दरवाजे के पास सटा हुआ हूँ, तो उसको पता नहीं मैं देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ, पता नहीं, मगर वो एक शॉट फिर से मारता है। तब मुझे अंदाज़ा लगता है, देखिए मारेगा, देखिए मारा। अब जब उसने मारा, तब मुझे अंदाज़ा हो गया कि कहीं ना कहीं है वो। तो इधर मैं पेड़ की तरफ देख रहा था, पेड़ की तरफ देखा तो थोड़ा सा और कैमरा मैंने घुमाया, तब मुझे वो दिख गया, वो पत्थर के पीछे था। आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा। उसको मारने के लिए मुझे और थोड़ा सा खिड़की के पीछे आना चाहिए था, आना चाहिए, आता भी हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे आ गया, अब मैं यहाँ पे आराम से पीक करके उसको नॉक करता हूँ। और जबकि वो बंदा नॉक हो चुका है, तभी हलचल मचने लगती है। अब बंदे मेरे पास आते हैं, अब आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फाइट हो चुका था मेरा, तो यहाँ पे जो भी आता है उसको मैं फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, और मैं फिनिश कर भी देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरी बुलेट्स ख़त्म हो गई, पर मैं दोबारा स्कार चेंज करके बाहर आया और उसको फिनिश कर दिया। तभी इसका एक और पार्टनर आता है। अब इसका पार्टनर आता है, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैं मैप रीड नहीं कर पाता हूँ। वो बंदा अंदर आता है, फिर वो बगल वाले रूम में घुस जाता है। अब मुझे लगता है कि वो पीछे चला गया, और जैसे मैं पीछे पलटता हूँ, तभी वो उछल के मुझे मार देता है।